नमस्कार, यूटीवी न्यूज़ 24 की एक और नई खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज बात करने वाले हैं जहां से आईपीएल स्टार्ट हुआ था और आईपीएल का जो स्टार्टिंग डेट थी, आप डेट बोल सकते हो, महीना बोल सकते हो, साल बोल सकते हो, 2008 से आईपीएल स्टार्ट हुआ था जून के महीने से। तो जो पहला आईपीएल का फाइनल खेला गया था राजस्थान रॉयल वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के बीच में, उसके फाइनल मैच का क्या हाईलाइट है, किस खिलाड़ी ने कितने रन लगाए थे, उसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। आप सभी को पता है ऐसे में लॉकडाउन चल रहा है तो क्रिकेट के मैच बंद चल रहे हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो, अगर आप भी राजस्थान रॉयल या फिर दोस्तों सीएसके दोनों टीमों में से किसी एक के बहुत बड़े फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, बात है आईपीएल के पहले सीजन के फाइनल मुकाबले की, जहां पर 1 जून को फाइनल मुकाबला खेला गया 2008 को सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल के बीच में। सबसे पहले तो सीएसके की टीम ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनका ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। सीएसके की टीम की ओर से सबसे ज़्यादा रन सुरेश रैना ने लगाए। सुरेश रैना ने महज 30 बॉलों का सामना करते हुए 43 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली और उसके बाद अपना विकेट गवा बैठे। और सीएसके टीम की ओर से सबसे ज़्यादा रन दूसरे नंबर पर रहे पार्थिव पटेल ने लगाए। पार्थिव पटेल ने 33 बॉलों का सामना करते हुए 38 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। तो वहीं खुद एमएस धोनी भी कम नहीं थे। कैप्टन एमएस धोनी ने 17 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 29 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली और इस तरीके से पूरे 20 ओवर खेलने के बाद 5 विकेट गवा दिए और 163 रन बनाए सीएसके की टीम ने। सीएसके की टीम ने 164 रन का लक्ष्य दिया राजस्थान रॉयल को। तो वहीं राजस्थान रॉयल की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट इरफान पठान ने लिए। इरफान पठान ने 4 ओवर कराने के बाद 22 रन दिए, तो वहीं 3 विकेट चटका दिए सीएसके की टीम के। और फिर बारी आई राजस्थान रॉयल की बैटिंग की। राजस्थान रॉयल की ओर से सबसे ज़्यादा रन भी इरफान पठान ने लगाए। इरफान पठान ने 39 गेंदों का सामना करते हुए 56 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। तो वहीं शेन वॉटसन भी कम नहीं थे। शेन वॉटसन ने भी 19 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली, मगर अपना विकेट नहीं बचा पाए और अपना विकेट गवा बैठे चौका लगाने के चक्कर में। तो वहीं मोहम्मद कैफ ने भी 9 बॉलों का सामना करते हुए 12 रन ठोक डाले और इस तरीके से 164 रन बना दिए 7 विकेट गंवाने के बाद पूरे 20 ओवर में और इस मैच को 1 रन से अपने नाम कर लिया। सीएसके की टीम की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट एवली मार्के ने लिए। एवली मार्के ने 4 ओवर कराने के बाद ओनली 25 रन दिए, तो वहीं 2 विकेट चटका दिए राजस्थान रॉयल के। तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे मुथैया मुरलीधरन ने भी 4 ओवर कराने के बाद केवल 39 रन दिए और 2 विकेट चटका दिए राजस्थान रॉयल की टीम के। और दोस्तों, 2020 का जो आईपीएल का फाइनल है उसे कौन सी टीम जीतने वाली है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही था, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए यूटीवी न्यूज़ 24।